जंतर मंतर पे आज किस मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं जिस तरीके से मनीषा के साथ हुआ है और भी आए दिन, आपको पता आज भी मध्य प्रदेश में उसको जला दिया गया है, इस तरीके के अत्याचार महिलाओं के साथ होते आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। सरकार तो कहती है कि बेटियों को बचाओ पढ़ाओ, अरे बेटियों को बचाएं इसीलिए कि कोई भी दरिंद्र आके उसके साथ गलत काम करे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचा सके कि हमारे लिए कोई ऐसी सुरक्षा बनाया जाए, ऐसे कोई इंतजाम बनाया जाए जिससे हम इस देश में महसूस करें सुरक्षा। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, अरे तुमसे अच्छा तो पाकिस्तान बढ़िया है, कम से कम वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। तुम पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुद्दों को लेकर लड़ते हो, कभी किसी मुद्दे को लेकर लड़ते, कभी महिलाओं के बारे में सोचा है कि महिला की सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है? तो मेरी सरकार से यही हाथ जोड़ के और आक्रोश करके यही विनती है कि जल्द से जल्द कोई कानून बनाया जाए, और अगर आप कानून नहीं बना सकते तो हमें अपनी सुरक्षा करने का खुद अधिकार दिया जाए और हम खुद अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। अगर आप कानून नहीं बना सकते तो हम खुद कानून बनाएंगे अपने लिए। कानून बनाया गया निर्भया के बाद, आपको मैं कितने सारे केस दिखा दूं? निर्भया के बाद तो निर्भया के समय कानून बना तो जीभ कैसे काट ली, कैसे चला दिया, ये तो निर्भया से भी बदतर हालत कर दी। कौन सा कानून बना? उन्होंने कानूनों को तोड़कर हमें बेजुबान बनाया है। हम उनकी जबान काट देंगे, योगी और मोदी की जबान काट देंगे, हाथ लगा के तो देखे कौन सा कानून बनाया। ले भी नहीं सकते, ना उनके घर में माँ है, ना उनके घर में बेटी है, ना उनके घर में पत्नी है। औरतों की इज्जत तो वो करना ही नहीं जानते, पैसों पे जीते हैं पैसों पे। मोदी का चमचा है वो, मोदी का चमचा है योगी, खरीदा हुआ कुत्ता है मोदी का वो दुनिया को पैसे से खरीद रहा है। पुलिस, अब पुलिस खड़ा कर रखी है उसने, मीडिया खरीद रखी है। तब कहा था जब रातों रात लाश ले जाकर उसने जलवा दिया, तब पुलिस नहीं थी, अब पुलिस लाता है हमें पिटवाने के लिए। तब कहा थी उसकी पुलिस और उसकी सेना, सामने तो आए जीभ काट कर रख देंगे हम उसकी। क्या डिमांड कर रहे हैं आज आप लोग यहाँ पे? इसी सेकंड मोदी और योगी को फांसी दो, और उसके हत्यारों को, मनीषा के और बाकी बलात्कारियों को फांसी दो, और आगे ये नहीं होना चाहिए। मोदी और योगी को सत्ता से हटा दो, हमने सजा देनी चाहिए, जैसे उसने काटा है ऐसे उसका लिंग भी काटना चाहिए। हम मोदी सरकार